पहले पहले यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट गए हैं और अब जज साहब की गाड़ी निकलने वाली है। एक तरह से निशांत आप देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं किस तरह से इसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया है। यहाँ से ये के जवान हैं, पुलिस वाले हैं, ये दोनों तरफ से कॉर्डन अप करके एक गैलरी बना दी है जिसमें जितने पुलिस के अधिकारी हैं, जज साहब हैं, ये सारे के सारे एक एक करके निकलेंगे क्योंकि सजा का ऐलान हो चुका है। जब सजा की कॉपी के लिए हमने बात की तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में जज साहब जो टाइप हो रहा है वो पूरा वो बाहर आ जाएगा कि किस किस धारा के तहत कैसे इसे कितनी कितनी सजा हुई थी। प्रबीर को बोलूंगा, प्रबीर भाई एक बार जरा यहाँ पर दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। शरद मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए आप, जेल के बाहर जज साहब की गाड़ी निकलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि जो वकील निकलेंगे तब शायद ये सब नहीं होगा। बिल्कुल, वकील बाद में निकलेंगे, पहले अधिकारी यहां से निकलेंगे, उसके बाद वकीलों को निकल जिला मजिस्ट्रेट साहब निकल चुके हैं ऑलरेडी। जिला मजिस्ट्रेट यहां से निकल चुके हैं और उसके बाद एक एक करके सब निकल जाएंगे। पहले ही जैसे कि निशांत हमें आकर बता दिया था उसने कि अलर्ट करने के अलर्ट कर दिया गया है, हमें सजा का ऐलान होने ही वाला है तो अलर्ट कर दिया गया था पुलिस वालों को और पूरे जयपुर पूरे जोधपुर में अलर्ट कर दिया गया है कि आसाराम को सजा हो गई है। दुष्कर्मी आसाराम अब उम्र कैद की सजा भुगतने वाला है, इसलिए पूरे जोधपुर में अब अलर्ट कर दिया गया है पुलिस वालों को, कहीं से कोई इंसिडेंट नहीं हो जाए, कहीं से कोई दुर्घटना ही नहीं हो जाए, इसके लिए पुलिस इस तरह से पूरा इंतजाम कर रही है। वहां पर मैं बता दूं आपको कि संचिता गुप्ता उपशिल्पी और शरद चंद दोनों को पुलिस ने वहां हिरासत में ले लिया है और अब जेल के जो अधिकारी हैं वो जो दो छोड़े गए वो भी इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। जी हाँ, वो इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे, लेकिन शायद वो पुलिस के साथ निकले क्योंकि अभी जिस तरीके से हालात है उसको लेकर नहीं। देखिए, आसाराम के खिलाफ कोई नहीं है, आसाराम के जो भक्त हैं, जो तथाकथित भक्त हैं, अंधे भक्त हैं, वो सोचते हैं कि आसाराम के लोग खिलाफ है, आसाराम का कोई खिलाफ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो जो दो निकलेंगे नहीं, बात खतरे की नहीं है, बात ये है कि वो कहीं और लोगों को मोटिवेट ना करें, कुछ ना करें, इसलिए हो सकता है कि अभी भी वो पुलिस के कॉर्डन में रहे। हो सकता है क्योंकि वो आश्रम में ही रहते हैं, यही आश्रम में रहते हैं और जोधपुर में घूमते रहते हैं, इसलिए उनको कोई सुरक्षा की दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे जो यहाँ पर शांति है वो कितनी भंग हो सकती है? नहीं, उनसे कोई शांति भंग का ऐसा नहीं है, वो तो आज राहत महसूस कर रहे हो कि हम बच गए। जो बच गया वो सीधे घर भागेगा, वो कहीं अशांति फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो तो दुहाई दे रहे हो कि अंदर कि आसाराम से पिंड छूटा, आसाराम से पीछा छूटा हमारा, जो हम बच गए, बाकी जो दो जो थे वो 20 साल की सजा भुगत देंगे और आसाराम उम्र कैद की सजा भुगत देगा। अभी तो एक उम्र कैद हुई है, इस तरह की एक और सजा का ऐलान होना सूरत में बाकी है निशान, यानी इस उम्र में इस जन्म में लगता है कि आसाराम को बैकुंठ ही मिलेगा, जेल का बैकुंठ, जो बैकुंठ वो आसाराम खोज रहा था। बैकुंठ का बार बार रेफरेंस पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बार बार आसाराम जब जेल में आया था तो उसने बैकुंठ का जिक्र किया था। तस्वीरें आपके सामने, ये देखें किस तरीके से यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी कॉर्डन है और जज साहब यहाँ पर निकलने वाले हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, खासकर ये देखते हुए निशांत आज बड़ी बात यह हुई है कि आसाराम जिस दिन जेल हुआ था उस दिन भी नहीं रोया था, आज रोया है, आज आसाराम रोया है, ठहाका भी लगाया और रोया भी है। जैसे ही दोषी करार दिया गया ठहाका लगा कर सर पकड़ा था और जैसे ही सजा का ऐलान होया रोया है आसाराम। कितना आज उसको अपने गलती पर पछतावा हो रहा होगा, मुझे लगता है पछतावा हो रहा होगा, मुझे लगता है कि रोया है उसने, रोया सजा को लेकर है। लेकिन पछतावे वाले लोग क्या कहें, ये लोग जिस तरीके से इन्होंने एक 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 अहंकार की दुनिया बना ली थी अपनी, क्योंकि अभी भी वो भक्तगण उसके हैं जो कि बोल रहे हैं कि वो दोषी हैं, निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बार फिर से कैमरामैन प्रबीर विश्वास को मैं बोलूंगा, ये तस्वीरें आपको दिखाएं, ये है वो जेल जहां पर आसाराम रहेगा। यहां पर कई आतंकी हैं, कई कैदी हैं और इस जेल में आसाराम आजीवन रहेगा, आजीवन कारावास की सजा उसको दी गई है। यहां पर जिस तरीके से सिक्योरिटी कॉर्डन है, ये सिक्योरिटी कॉर्डन है जज साहब के बाहर निकलने का और जो अलग अलग अधिकारी हैं, लेकिन इस दरवाजे से हमें इंतजार है और भी कई लोगों के निकलने का, वो है आसाराम के वकील, वो है उस पीड़ित परिवार के वकील और वो दो लोग जो कि इस पूरे मामले में जिनको निर्दोष बताया गया उनका इंतजार है। हम कोशिश करेंगे उनको भी आपके सामने लेकर आए, उनके बाइट लेके आए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर शरद, और क्या क्या खबरें आ रही है अंदर से? अच्छा, तो आप लोग बाहर आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, और बाकी दोनों लोगों को ले लिया गया क्या हिरासत में, जो सुना है ले लिया है, और आसाराम बैरक में चला गया है, कोर्ट में ही अभी निशांत, आसाराम अभी कोर्ट में है, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। आसाराम को यहां से सीधे जहां पर सजा याफ्ता कैदी रहते हैं वहां ले जाया जाएगा, उसके जो सामान है वहां शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आज शाम को डीसीपी ने कहा है कि मैं बाहर आ रहा हूँ मीडिया ब्रीफ करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक जगह आप लोग खड़े हो जाइए और मैं आ रहा हूँ मीडिया ब्रीफ करने। ये देखिए जज साहब निकल गए, जज साहब जा रहे हैं, जज साहब यहाँ से जाते हुए
और मधुसूदन जी शर्मा जो है यहाँ से जो कि ऐतिहासिक फैसला देने वाले जज साहब, आसाराम रह गया है, रोता हुआ आसाराम रह गया और बड़ी सरलता से विनम्रता से यहाँ पर बिल्कुल 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 यही फर्क होता है, यही फर्क होता है कहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु और इतने सारे 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी और 400 आश्रम और आज देखिए जेल के अंदर है वो। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए हमें हमें आप किसी को दोस्त नहीं दे सकते, न्यायालय का फैसला है और न्यायालय ने एक दो दिन में फैसला नहीं लिया है, न्यायालय ने 4 साल 8 महीने लगाए हैं। उस लड़की के दुष्कर्म के आरोप के बावजूद आपको सजा नहीं दी है, पूरा आपको मौका दिया है। आपने साजिशों का एक झांसाराम तैयार किया है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बताना चाहूंगा सिर्फ वो पीड़ित परिवार ही नहीं, हर वो गवाह जिसको मारा गया, जिसको धमकाया गया, दो तीन गवाह जिनकी मृत्यु हो गई, एक जो गायब हो गया, हर उस गवाह का परिवार आज राहत की सांस ले रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये कई सारे लोग यहाँ से निकलते हुए शरद कब तक आ रहे हैं डीसीपी साहब? उन्होंने बोला कि 5 से 10 मिनट में हम निकल रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है कि जो आसाराम के दो अभियुक्त हैं उन्हें पुलिस अपने कस्टडी में लेके और जेल प्रशासन को सौंपती है, वो फॉर्मेलिटी करीब करीब पूरे होने वाली है, उनको सौंप देगी और उसके बाद आसाराम तो पहले से ही जेल के कस्टडी में है। आसाराम को कमरे से सामान मंगा कर केवल वहाँ शिफ्ट करना है उसके रूम में। आसाराम रो रहा है, उम्र का है, बहुत ज़्यादा उम्र का रो रहा है, इसलिए उसको वहीं पर छोड़ दिया गया है। अभी जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, उसे उठने के लिए नहीं कहा गया है। आसाराम कुर्सी पर बैठ कर रोता हुआ शांत है, जब एक बार शांत हो जाए थोड़ा तब उसको उठाकर जो सजायाफ्ता कैदी होते हैं उनके बैरक में उसको पहुंचाया जाएगा। वो जो दो लोग हैं वो यहीं से निकलेंगे बाहर? हाँ, जो बरी हो गए हैं वो यहीं से निकलेंगे, वो अपने आसाराम के आश्रम में यहीं पर पाल नगर जो आश्रम है उसी में दोनों रहते हैं और वहीं जाएंगे यहाँ से निकलकर। यानी कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। आज की तारीख 25 अप्रैल 1964 में बयान नहीं, बाद में उसको टैप किया गया था। प्लीज एक मिनट, मुझे हाईकोर्ट में जाना जरूरी है। दो मिनट प्रॉपर दोषी करार दे दिया गया है आसाराम और उम्र कैद की सजा सख्त, सबसे सख्त सजा सुनाई गई है। और निशांत वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं। निशांत, शरद से बात करें। अरे यार, आप लोग खुद कर रहे हो, आराम से तो नहीं कर रहे हो। सरकार तो शिवा को बलि कर दिया है और मजिस्ट्रेटों को कनेक्शन किया है, ठीक है ना जी। और मैं तो प्रकाश की तरफ से ही था, ठीक है ना। प्रकाश को बरी करने का जो आधार था, FIR में नाम नहीं, 161 के बयानों में नाम नहीं, 164 के बयानों में नाम नहीं, बाद में उसको बराबर मोबाइल के मोबाइल के आधार पे मतलब उनको लिया कि ये बाबू का 120 के तहत इनसे षड्यंत्र रखता था और मोबाइल में था, ठीक है ना। सर, आसाराम को जो बताया गया तो किन किन धाराओं के तहत उनको दोषी पाया गया? 376। और सर एक बार वापस बताएं उनको, उनका सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, क्या 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 हुआ पूरी पूरा बता दें सर। आगे की क्या रहेगी कार्रवाई? हाईकोर्ट में अपील होगी, कब जाएगी? जल्दी से जल्दी फैसले को भी मिलती। ठीक है, एक बार वापस बताएं सर, दोनों आरोपियों को क्या? दोनों आरोपियों कौन? शिल्पी और नहीं वो, और आपकी प्रेम शिल्पी और माइक नीचे कर भाई, शरद और बापू को। सर सरू से बताए एक बार क्या हुआ सर, पूरा कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कैसे उनको दलीलें दी गई? कोर्ट के अंदर तो दलीलें पहले हो चुकी थी, आज तो फैसला आया, उनको कन्विक्शन माना और फिर सजा के बिंदु पर बहस हुई, ठीक है। सर, जज साहब ने कितना समय लगाया क्वांटम, क्योंकि बीच में उन्होंने शायद अपने कमरे में चले गए थे फिर बाद में क्वांटम सुना? देखिए, जब मेरे क्लाइंट को बरी कर दिया था ना, बाद में उनके वकील ने 1.5 घंटे क्वांटम पे बहस की और उसके 1.5 घंटे बाद में फैसला आया। प्रकाश के लिए खुश थे आसाराम? सामने प्रकाश के लिए खुश थे कि प्रकाश को बरी कर दिया गया, उसके लिए प्रकाश और शिवाराम को बरी कर दिया जी। भाई अलग ही है। वो सर चैलेंज होगा, करे कम्प्लीट फैसला आने के बाद जो ग्राउंड क्या प्रेयर होता है वो कि आप यू विल बी चैलेंजिंग द वर्डिक्ट तो चैलेंज होगा ही ना। चलिए, थैंक यू। वी आर जॉइन सर 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 वी आर जॉइन बाय द लॉयर ऑफ प्रकाश एंड विल टेक हिज रिएक्शन। सर, हाउ डू यू सी दिस एंटायर जजमेंट? डू यू थिंक
थ्री हैव बीन प्रूवन गिल्टी, टू हैव बीन एक्चुअली एक्विटेड. नहीं जजमेंट पे कमेंट तो हम अपील में करें. राजीव तो चौधरी. अरे एक सेकेंड आप बात कर रहे सर, जजमेंट को किस तरह से देखते हैं आप लोग? और प्रकाश को बरी कर दिया गया तो क्या किन किन धाराओं के तहत बरी किया गया? सभी सेक्शन एक जैसे लगे थे 120 में. क्या वो साजिश के आरोपी नहीं थे? क्या वो साजिश प्रकाश यार आई एम डूइंग अ बाइट नाउ, वी ऑलरेडी डन अ बाइट. बॉस तीन को परमिशन दो का इकट्ठा. चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच.